नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो के थंबनेल देख के जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग करने वाले हीरो जूम का डबल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट। और इस वीडियो में हमारे साथ है निखिल जी। हेलो फ्रेंड्स। और निखिल जी एक बात बताइए कि आपका बॉडी वेट कितना है? अप्रॉक्स 75। तो आपने सुना निखिल जी का वेट है 75 और मेरा वेट है 70 kg। और देखेंगे हीरो जूम में डबल राइड में हमें सिटी राइड में कितना माइलेज मिलता है। और वीडियो को बनाने का खास रीज़न दोस्तों ये है कि जब मैंने इस स्कूटर का सिटी माइलेज टेस्ट किया था और हाईवे माइलेज टेस्ट किया था तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि हम ज़्यादातर स्कूटर को डबल राइड में राइड करते हैं। कुछ ने कहा कि मेरा वेट 90 प्लस है तो हमें इस स्कूटर में कितना माइलेज मिलेगा। तो यही जानने के लिए आज हम लोग इस स्कूटर का डबल राइड में माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। तो इस स्कूटर के फ्यूल टैंक में दोस्तों अभी बहुत ही कम पेट्रोल है, तो जहां इसमें पेट्रोल खत्म होगा वहां पे इसमें हम पेट्रोल डालेंगे सिटी माइलेज टेस्ट के लिए। तो आइए चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। तो फाइनली दोस्तों इस स्कूटर के फ्यूल टैंक में जितना ही पेट्रोल था लगता वो खत्म हो चुका है। और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें 2 बार सेल्फ ले रहा हूँ। तो आपने देखा स्कूटर स्टार्ट हो गया था मगर ये फिर से बंद हो चुका है। तो आइए एक बार और ट्राई करते हैं। तो सेकंड बार में भी ये स्कूटर स्टार्ट हो चुका है और इसमें दोस्तों पेट्रोल फाइनली फिर से ख़त्म हो चुका है। और एक बार दिखाने के लिए फिर से मैं सेल्फ ले रहा हूँ इसमें। तो आपने देखा इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो आइए इसमें 1/2 लीटर पेट्रोल डालते हैं सिटी माइलेज टेस्ट के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये रहा वो 1/2 लीटर पेट्रोल जिसका करेंगे हम डबल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट। और दूसरी बॉटल में 1 लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और पेट्रोल डालने से पहले आपको दिखा रहा हूँ स्कूटर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो आपने देखा स्कूटर स्टार्ट हुआ था मगर ये बंद हो चुका है। एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। तो आपने देखा अभी स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आइए निखिल जी इसमें 1/2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए इसके फ्यूल टैंक में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये 1/2 लीटर पेट्रोल पूरा है। तो पेट्रोल हम लोगों ने दोस्तों डाल दिया है और अब आपको ये स्कूटर स्टार्ट करके दिखाते हैं। ठीक है ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों स्कूटर स्टार्ट हो गया है। तो माइलेज टेस्ट में चलने से पहले इसके ऑडोमीटर पर और ट्रिप मीटर पर नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्कूटर अभी 11 किलोमीटर चला है। ये बिल्कुल न्यू स्कूटर है और यूनियन बाइक्स हीरो में आपके लिए हीरो जूम का टेस्ट राइड स्कूटर आ चुका है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें ऑडोमीटर में रीडिंग है 11 और इसके ट्रिप को मैं 0.0 पे कर रहा हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि ऑडोमीटर में रीडिंग है 11 और इसके ट्रिप को मैंने 0.0 पे कर दिया है। तो आइए चलते हैं डबल राइड में, देखते हैं हमें इस स्कूटर में कितना माइलेज मिलता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं माइलेज टेस्ट पर डबल राइड में।
तो फाइनली दोस्तों हमने इस स्कूटर में जो सिटी माइलेज टेस्ट के लिए हाफ लीटर पेट्रोल डाला था वो ख़त्म हो चुका है, और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। एक बार और ट्राई करता हूँ। तो आपने देखा दोस्तों इसमें जो पेट्रोल हमने डाला था वो ख़त्म हो चुका है, और इसमें दोस्तों वाकई में बहुत ही अच्छा माइलेज मिला है हाफ लीटर में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं अभी इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 36, जब हम निकले थे तब रीडिंग था 11, और इसके ट्रिप में रीडिंग है 24.5। मतलब कि आज हमें डबल राइड में, सिटी राइड में हाफ लीटर में माइलेज मिला है 24.5 KMPL का, जो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो आइए सबसे पहले इसमें पेट्रोल डालते हैं रिटर्न जाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा वो 1 लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल पूरा है। तो अब मैं निखिल जी को कहता हूँ इस पेट्रोल को डाल देने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं नए लोकेशन में, और आज आपने देखा हीरो जूम का डबल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट। और वीडियो को अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा कि आज मैंने इस स्कूटर को काफ़ी ट्रैफिक में राइड किया है। तो सबसे पहले दो सवाल करूंगा, उसके बाद हम माइलेज के बारे में बात करेंगे आपसे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज हमारे साथ डबल राइड में माइलेज टेस्ट में निखिल जी थे, तो निखिल जी आपने अपना वेट बताया था कितना? 75। ठीक है, और मैंने अपना वेट बताया था 70। और आज आपने सिटी राइड में हमारे साथ पिलियन में आप बैठे थे, तो एक क्वेश्चन करूंगा सबसे पहला कि इस स्कूटर में जब आप मेरे साथ पिलियन में पीछे बैठे थे तो आपको इस स्कूटर का सीट कैसा महसूस हो रहा था? कंफर्टेबल था, काफ़ी कंफर्टेबल था। मतलब अगर मैं इस स्कूटर में आपको 100-120 किलोमीटर तक पिलियन में बैठा के ले जाना चाहूंगा तो क्या आप मेरे साथ बैठ के जा सकोगे इस स्कूटर? जा सक। चलिए अच्छी बात है। दूसरा सवाल है कि आप पिलियन में पीछे बैठे थे तो रियर सस्पेंशन आपको इस स्कूटर का कैसा लग रहा था? परफेक्ट लग रहा। परफेक्ट है, मतलब आपको जर्क वगैरह ज़्यादा महसूस नहीं होता? ज़्यादा महसूस नहीं। वैसे भी हमने आज इस स्कूटर को सिटी में राइड किया है तो कहीं ऐसा नहीं था कि सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस स्कूटर को थोड़ी ख़राब सड़कों पे भी राइड करूँ डबल राइड में तो कैसा महसूस हो सकता है? कंफर्टेबल रहेगा सर। अच्छा ही रहेगा, मैंने कंफर्टेबल रहेगा। तो आपने सुना कि निखिल जी ने बताया कि स्कूटर का सीट भी इन्हें कम्फर्टेबल लगा, और इस स्कूटर का जो रियर सस्पेंशन है वो भी इन्हें काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। और अब मैं आपको बात कर लेता हूँ माइलेज के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा था कि इस स्कूटर के फ्यूल टैंक में काफ़ी कम पेट्रोल था, जहाँ पर फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हुआ वहाँ पे हमने इसके फ्यूल टैंक में हाफ लीटर पेट्रोल डाला, और तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 11 और ट्रिप को हमने 0.0 पे कर दिया था। माइलेज टेस्ट करते वक्त ट्रैफिक में स्पीड देखने की जरूरत नहीं, और जहाँ ट्रैफिक नहीं था वहाँ पर मैंने इस स्कूटर का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रखा था। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा, और जहाँ पर माइलेज टेस्ट करते वक्त इसके फ्यूल टैंक में हाफ लीटर पेट्रोल खत्म हुआ तब आपने देखा इसके ट्रिप में रीडिंग था 24.5। मतलब कि आज हमें डबल राइड में, सिटी राइड में, ट्रैफिक में राइड करने के बाद भी इस स्कूटर में हाफ लीटर में 24.5 KMPL का माइलेज मिला है, और अगर मैं इसे इंटू 2 करता हूँ तो 1 लीटर में 49 KMPL का माइलेज होता है डबल राइड में, जो देखा जाए तो हीरो जूम बिल्कुल न्यू स्कूटर में बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस स्कूटर के सेकेंड थर्ड सर्विस के बाद ये माइलेज थोड़ा और भी बढ़ जाएगा। और आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने इस स्कूटर का सिंगल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट और 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में हाईवे माइलेज टेस्ट नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे भी जरूर देखिएगा। और अब मैं आपके साथ इस स्कूटर का छोटा सा राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम दोस्तों हीरो जूम के इंजन के बारे में जान लेते हैं। इस स्कूटर के इंजन में आपको 110.9 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 8.05 BHP का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 8.70 Nm का टॉर्क मिलता है, जिससे आपको इस स्कूटर में काफ़ी अच्छा पिकअप मिलता है। साथ ही स्कूटर 0 से 60 सिर्फ 9.35 सेकेंड में पकड़ लेता है। साथ ही बात करें इस स्कूटर के सस्पेंशन की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है, जो आपको सिटी और हाईवे दोनों में राइड करते समय काफ़ी बेहतर महसूस होगा। और साथ ही वीडियो में आपने देख ही लिया कि निखिल जी आज हमारे साथ थे और वो भी कह रहे हैं कि इस स्कूटर का रियर सस्पेंशन उन्हें काफ़ी बेहतर लगा। और ब्रेक के मामले में भी हीरो जूम काफ़ी बेहतर है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके फ्रंट में आपको 190 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक के साथ इसमें IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो स्कूटर को राइड करते समय आपको स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर महसूस होगा। और स्कूटर के सीटिंग पोस्चर की बात करें तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस स्कूटर का आपको सीटिंग पोस्चर बहुत ही बेहतर मिलता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छा लेग स्पेस भी मिल जाता है, तो अगर आपका हाइट 6 फीट ऐसे थोड़ा ज़्यादा भी है तब भी आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। और इस स्कूटर का सीट बहुत ही आपको कंफर्टेबल मिलता है, और स्कूटर का सीट हाइट 770 mm रखा गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका हाइट 5 फीट भी होगा तो आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। और आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको इस स्कूटर में साइड स्टैंड इंजन कटऑफ स्विच मिल जाता है, जिसे अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है।
और इस स्कूटर में आपको 19.2 लीटर कैपेसिटी का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, साथ ही 5.2 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक भी मिल जाता है। और फीचर्स के मामले में भी हीरो जूम काफ़ी बेहतर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस स्कूटर में आपको फुली डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है और हीरो का अपना सिग्नेचर एच के शेप में पोजीशन लाइट के साथ इसमें आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प भी मिल जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस स्कूटर में अब आपको इसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, जिससे आप इस स्कूटर को कच्ची सड़कों पर भी बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। और आप सबसे बोलना चाहूँगा, अगर आप जमशेदपुर या इसके आसपास से हैं और इस स्कूटर का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेज करना चाहते हैं एक अच्छा ऑफर में, तो आप यूनियन बाइक शोरूम में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और एक बार फिर से लास्ट में बोलूँगा कि अगर आपने इस स्कूटर का सिटी माइलेज टेस्ट सिंगल राइड में और हाईवे माइलेज टेस्ट नहीं देखा, तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें।